हेलो भाई, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ कि खूब बढ़िया होंगे और खूब मजे में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 7 है। और जैसा कि आप पहले वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैं बता चुका हूँ कि हम लोग लेसन नंबर, ये हमारा 7 है, और इसके पहले जो लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 5, ये सब जो अपलोड किया गया है यूट्यूब पर, ये झारखंड जिला दर्शन हमने इसका हेडिंग दिया है। झारखंड जिला दर्शन, झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सचिवालय, दरोगा, इन सभी के लिए। और ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है लक्ष्य अकेडमी रांची, सेंटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी यहाँ कराई जाती है। मोबाइल नंबर है 8252656697। पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। और मैं वी कुमार, लक्ष्य अकेडमी का डायरेक्टर, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकेडमी रांची में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिला दर्शन टॉपिक के अंतर्गत साहिबगंज के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड के अंदर से, वैसे सारे परीक्षा जिसमें झारखंड के अंदर से क्वेश्चन आता है वो सभी परीक्षा की तैयारी स्टूडेंट को करना थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये लेसन वाइज वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जो स्टूडेंट सिर्फ इस लेसन को देख रहे होंगे वो इसके पहले वाले लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से वीडियो में जाकर देख सकते हैं और खूब बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। साहेबगंज, अब आप यहाँ पर पूछेंगे हर बार की तरह कि सर ये किस किताब से आप बता रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, झारखंड के लिए स्पेशल किताब हम लोगों ने तैयार करके रखा है, लिखा हुआ है उसे, जो हमारे पास नोट्स था उसको एक किताब का रूप दिया गया है और ये उसी का एक अंश है और इसी से आपको यहाँ से क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। साहेबगंज है ना, साहेबगंज का उपनाम अगर आप देखें तो साहेबगंज का उपनाम है बंगाल का द्वार। केर, साहेबगंज का उपनाम क्या है? बंगाल का द्वार। केर, साहेबगंज का मुख्यालय का बात करें तो साहेबगंज का मुख्यालय साहेबगंज ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो साहेबगंज का क्षेत्रफल 2063 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। प्रमंडल की बात करें तो यह संथाल परगना में आता है। अनुमंडल की बात करें तो यह साहेबगंज राजमहल अनुमंडल है इसका, और इसका ये मैप है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर साहेबगंज आपको मैप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके लिए यह जरूरी है कि आपको उसका मानचित्र का, मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यदि आप मैप पॉइंटिंग सीख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको इसके लिए करना क्या है, तो देखिए सेंट्रलाइज लेवल पर जैसे आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो एसएससी वगैरह को पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन झारखंड हो गया, झारखंड के अंदर से जो क्वेश्चन आता है, जो झारखंड में होने वाली परीक्षाएं हैं, उसके लिए ना स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ने के लिए सामग्री मिल पाती है और कुछ कोचिंग वगैरह में तैयारी कराया जाता है, तो उससे सबका सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप विशेष रूप से मेहनत करें खुद पर, और मैप जो है आप जरूर खरीदें। और अगर आप मैप किताब दुकान में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से आप झारखंड का हर जिला का मैप डाउनलोड कर लें और उसका एक एक प्रिंट आउट निकलवा लें, फिर उसको आप फोटो कॉपी करा लें 10 10 20 20, और झारखंड का गहन अध्ययन करें कि कहाँ झारखंड का किस जिले में क्या चीज प्रसिद्ध है, और मैप पर आप उसको पॉइंट आउट करते जाएं। जैसे अगर हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे गोड्डा, तो अभी गोड्डा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि साहेबगंज से सटा हुआ है, तो साहेबगंज यहाँ है, गोड्डा यहाँ पर है, क्लियर? तो आप इस तरह का उसका मैप पॉइंटिंग करें, और जब आप मैप पॉइंटिंग खूब बढ़िया से कर लेंगे, यानी मैप में जो चीज जहां पर है आपको बढ़िया से वहां पर पहुंच पाएंगे, तब आप समझिए कि आपका तैयारी लगभग लगभग ठीक ठाक हो रहा है। और रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन तो पढ़ने का चीज है, समझने का चीज है, याद करने का चीज है, तो मैप जरूर खरीदें, मैप जरूर पढ़ें, क्लियर? तो यहां पर आप देखिए साहेबगंज है, यहां पर महाराजपुर है, क्लियर? यहां पर राजमहल
क्षेत्र है, ये साहिब ये गंगा नदी का क्षेत्र है, तो ये सब चीज आप देखेंगे समझेंगे, क्लियर। तो मैप जरूर सीखें। चलिए आइए आगे क्वेश्चन में आते हैं। प्रखंड की बात करें तो प्रखंड, या फिर एक चीज और जानकारी मैं आपको दे दूं, पहले मैं ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देता हूं, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड है यहां पर, हम खुद ही एक मैप लेंगे और बारी बारी से हर जिला का मैप आपको खूब बढ़िया से क्लियर कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो अभी हम लोग इसका झारखंड के बारे में पूरा कुछ पढ़ लेते हैं, लेसन 1 2 3 4 करके जहां तक संभव हो सके, और उसके बाद फिर हम लोग एक मैप का अलग सीरीज ही शुरू करेंगे जिसमें झारखंड का सारा मैप आपको करा देंगे, क्लियर, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रखंड की बात करें तो साहेबगंज में 9 प्रखंड है, जो नाम क्या क्या है आइए देखते हैं। साहेबगंज, बरहेट, बोरिया, राजमहल, तालझाड़ी, बड़हरवा, मंदरो, उधवा और पटना। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में अभी पिछली बार जनगणना जो हुई थी वह 2011 में हुई थी, इसके बाद फिर हर 10 साल में जनगणना होता है, तो 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोरोना के वजह से नहीं हो सका, कोविड के वजह से नहीं हो सका, तो अब अगली बार जब जनगणना होगा तो उस समय के आंकड़े थोड़ा सा बदल जाएंगे, लेकिन अभी तक जो झारखंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी आंकड़ा से आ रहा है। आइए समझते हैं, अगर अगले बार भी मान लीजिए इसको आप कॉपी पे नोट बना लिए, कॉपी पर नोट कर लिए कि हाँ भाई ये चीज है, लेकिन अगर जनसंख्या जनगणना अगर मान लीजिए फिर से जब भी हो, 22 में हो, 23 में, 22 तो बीत गया, ये 22 में ये वीडियो बन रहा है ना, हम अभी 22 का बात कर रहे हैं, आज का तारीख है 3 दिसंबर 2022, क्लियर। तो आज तक क्वेश्चन का पैटर्न यही है झारखंड में, और अगर जनसंख्या मतलब जनगणना फिर होता है तो आप बस अपने कॉपी में पुराने वाले जो आंकड़ा लिखे हैं उसको काट दीजिएगा, उसके जगह पे दूसरा कलम से वहां पे लिख दीजिएगा, नोट्स वही काम करेगा, सब चीज बाकी वही चीज पढ़ना है। तो चलिए आइए समझते हैं, कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 11,50,567 था, पुरुषों की जनसंख्या 5,89,391 थी, महिलाओं की जनसंख्या 5,61,176 थी। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या है साहेबगंज का वो 24.01% बढ़ गया था। इस बार का जो नया जनगणना आएगा देखिए उसमें कितना बड़ा होता है। लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 952 यानी 952 महिलाएं थी। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 2011 में जनसंख्या घनत्व 558 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 2011 में 52.0% दर रहा, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 60.34% रहा और महिलाओं का साक्षरता दर 43.31% रहा। कुल अनुसूचित जाति की बात की जाए, एससी की संख्या की बात की जाए 2011 के जनसंख्या के अनुसार तो 72,341 था, पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो 37,317 था और महिलाओं की 35,024 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या की बात की जाए तो 3,08,343 था, पुरुषों की बात की जाए तो 1,53,435, महिलाओं की बात की जाए तो 1,54,908। विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो विधानसभा सदस्य यहाँ से 3 है, राजमहल, बोरिया और बरहेट से। साहेबगंज जिला यहाँ पर देखेंगे, साहेबगंज जिला मुख्य रूप से आदिवासी जनसंख्या के साथ संथाल परगना से विभाजन का हिस्सा है, संथाल परगना से कटकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, साहेबगंज जिले का गठन 17 मई 1983 में किया गया था। इस जिले का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी भाग है, यानी कि पहाड़ी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, साहेबगंज जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर माँ बिंदुवासिनी का अति प्राचीन मनोरम शक्ति पीठ है, जहाँ सती के 3 बूंद रक्त गिरा था, इसलिए इसे बिंदु धाम शक्ति पीठ कहते हैं। यहाँ पर हर वर्ष चैत्र मास में रामनवमी पर एक पखवाड़ा
तक भव्य मेला लगता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, तेलियागढ़ी किला साहेबगंज रेलवे स्टेशन से पहले करम टोला नामक रेलवे स्टेशन के नजदीक देखा जा सकता है। यह किला बंगाल का द्वार इसे कहा जाता है। यह किला राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, साहेबगंज इस स्थान पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। यह राजमहल की बात है, राजमहल इसके पहले वाला पॉइंट का। क्लियर। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यहीं पर हराया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मिट्टी जो है, यहाँ पर लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है। फसल की बात करें तो मक्का, गेहूं और आलू यहाँ पर मुख्य फसल है। नदियों की बात करें तो गंगा और बासलोई यहाँ की दो मुख्य नदियां हैं। वन्य जीव की बात की जाए तो वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पर उधवा जल पक्षी शरण स्थली है और साहेबगंज में बनाया गया 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जीवाश्म अभयारण्य, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य भी यहाँ पर है। वनाच्छादित क्षेत्र 2015 के अनुसार 594 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर वन फैला हुआ है, जो कि साहेबगंज की कुल जनसंख्या का 28.79% है। जनजातियों की बात की जाए तो संथाल, खड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। ये सब क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि सौरिया पहाड़िया ये सब कहाँ की मुख्य जनजातियां हैं, तो आपका जवाब होगा साहेबगंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रमुख उद्योग मेटल प्रेस वर्क्स, टिंकर मैन्युफैक्चरिंग, चाइना क्ले फैक्ट्री, ये सब यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। सिंचाई परियोजना की बात करें तो सकरी गली पंप योजना सिंचाई परियोजना है। साहेबगंज में तालाबों द्वारा सींचा जाने वाला भूभाग यानी कि तालाब से जो है खेती होती है लगभग 27.7%। अगले पेज में चला जाए कि क्या जानकारी है हम लोगों के पास साहेबगंज से संबंधित। चलिए देखते हैं, प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म उद्यान है। जैसा यहाँ देखिए, साहेबगंज जिले के 37 ऐसे गांव में जहाँ मुख्यतः संथाल और पहाड़िया आदिवासी निवास करते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका यदि उचित संरक्षण और विकास कर आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा सके तो पर्यटकों और जीवाश्म का अध्ययन करने वालों के लिए यह एक अनमोल तोहफा होगा। मंदार नेचर क्लब मंडलों में एक जीवाश्म उद्यान का विकास कर रहा है। ये मंदार एक संस्था है, मंदार नेचर क्लब, वो यहाँ पर जीवाश्म उद्यान का विकास कर रहा है। जीवाश्म किसको कहते हैं, आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे फॉजिल, ठीक है, यानी कि फॉजिल फ्यूल करके आप एक चैप्टर पढ़े होंगे। तो फ्यूल नहीं बल्कि यहाँ जीवाश्म उद्यान है ना। तो देखिए, झारखंड में घूमने लायक बहुत चीज है, खनिज बहुत है, लेकिन अगर सरकार इस पर उचित कार्य करे तब ना, लेकिन उचित कार्य नहीं करता है। खैर चलिए, आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। उधवा पक्षी विहार के बारे में समझ लीजिए। यह पक्षी विहार साहेबगंज जिले में स्थित है। सन 1991 ईस्वी में इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता मिली। यह 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर पथौरा झील में वर्ष भर पानी रहता है तथा यह उधाव डैम के चलते गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आइए देखते हैं, साहेबगंज की जो जनगणना हुई थी 2011 में धर्म पर आधारित कितने लोग थे, आइए समझते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या साहेबगंज में 6,28,044 थी, जो कि अगर प्रतिशत में देखें तो 54.59% है। मुस्लिमों की जनसंख्या 3,98,243 था, जो कि प्रतिशत में 34.61% है। ईसाई की बात करें तो ये 83,208 था, जो कि 7.23% है। सिख की बात करें तो 198 लोग है, जो कि 0.02% है। बौद्धों की बात करें तो 245 है, जो कि 0.02% है। जैन की बात करें तो सिर्फ 125 थे, जो कि 0.01 के आसपास है।
और अन्य जाति के लोग 38,426 जो कि कुल साहेबगंज की कुल जनसंख्या में 3.34% है, और अवर्गीकृत लोग 2,078 लोग थे जो कि साहेबगंज की जनसंख्या में 0.18% है। तो ये जानकारी साहेबगंज का हम लोगों ने विशेष रूप से तैयार किया हुआ था, जो आप ऑनलाइन क्लास करने वालों के माध्यम से आप लोगों को बताया गया। तो नेक्स्ट हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ यहाँ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए ताकि कहीं जल्दी नौकरी हो। और अगले दिन का जो हमारा टॉपिक रहेगा साहेबगंज के बाद, वो पाकुड़ रहेगा, पाकुड़ जिला का। क्लियर? तो ये फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत है या कोई आप पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वैसे स्टूडेंट जो झारखंड की तैयारी करते हों उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।